अगली बड़ी खबर उज्जैन से, जहां पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 30 लोग घायल हो गए, 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। सकेरी गांव की ये घटना है। तो उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 30 लोग घायल हो गए, जिनमें से 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। सकेरी गांव की ये घटना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कमलेश जाटवा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी कमलेश, ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलटने का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, कैसे हुआ हादसा? ये उज्जैन के पास झाड़ा से आलोट क्षेत्र का मामला है जी। यहाँ पर माता के दर्शन के लिए यहाँ ट्रॉली में 40 से 45 लोग भरकर जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली में, और उसमें महिला और बच्चों की संख्या ज्यादा थी, और ट्रैक्टर ट्रॉली काफी तेज स्पीड में था और जहाँ टर्न आया और वही पूरी ट्रॉली पलट गई, जिसमें 30 से 35 लोग घायल हो गए, जिसमें 5 की हालत गंभीर बताई गई है और सभी को जिला चिकित्सालय उज्जैन लेके आया गया है, और जिसमें 5 जो गंभीर हैं उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। जी कमलेश, घायलों की स्थिति इस वक्त कैसे है जानना चाहेंगे? घायलों में जो 30 लगभग 25 घायल हैं वो ठीक है, प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, और जो काफी स्थिति जिनकी खराब थी उनको इंदौर रेफर किया जा रहा है।